जय हिंद स्टूडेंट। रेजोनेंस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं कि रेजोनेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो रेजोनेंट वाइब्रेटिंग ऑफ द पेंडुलम है। कोई पेंडुलम है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस करवा रहे हैं, तो उसको एक ड्राइवन फोर्स दे रहे हैं। उस ड्राइवन फोर्स से वो ऑक्सीलेट कर रहा है और ड्राइवन फोर्स की फ्रिक्वेंसी हमने उसके फोर्थ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी से जस्ट इक्वल कर दिया है, मैच करा दिया है। रेजोनेंस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड साउंड बॉक्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंड सोनोमीटर। सोनोमीटर या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बॉक्स की साउंड जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो निकलती है उसको भी हम रेजोनेंस के एग्जाम्पल से अटैच करते हैं। रेजोनेंस इन एयर कॉलम एंड ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क से बजने वाला जो एयर कॉलम में फ्रिक्वेंसी निकलती है वो भी एक रेजोनेंस का ही कंडीशन है। रेजोनेंस इन अ ब्रिज, ब्रिज का रेजोनेंस, और रेजोनेंस इन अ रेडियो एंड टीवी रिसीवर, ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस हैं। आप जब ब्रिज पर चलते हुए सोल्जर्स को देखोगे तो सोल्जर्स का जो बॉस है वो बोलता है ब्रिज पर सारे लोग पैर एक साथ नहीं रखेंगे, यानी मार्च पास्ट करते हुए नहीं जाना है आपको। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्च पास्ट इसलिए नहीं करना है बिकॉज ऑफ अगर सारे लोग एक साथ फोर्स दे रखेंगे, पैर रखेंगे, तो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफ़र हो जाएगा उनको, और ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जब ब्रिज को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उस फोर्स की वजह से ब्रिज ऑक्सीलेट करने लगेगी, और ब्रिज ऑक्सीलेट करेगी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड सडन बढ़ जाएगा उसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का और ब्रिज कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए भी हम ब्रिज पर सैनिकों को या उनके बॉस सैनिकों को ऑर्डर नहीं करते हैं कि आप मार्च पास्ट करते हुए चलो। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेजोनेंस।